एक और ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज दिन बहुत अच्छा निकला है, बाहर मौसम बहुत ही जबरदस्त है, बारिश हो रही है। मुझे लेके जाना था मम्मी को अपॉइंटमेंट के लिए और टाइम हो गया है, बस थोड़ा सा बस निकलने की तैयारी हो रही है। पिछली बार तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई थी और इन्फॉर्मेशन थी नहीं, इस बार उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक हो। अभी तक ऐसा कोई मैसेज आया नहीं क्योंकि इस बार मैंने बुकिंग अपने फ़ोन से करी है और जाके वहीं पता चलेगा, बस लगातार बारिश हो रही है। हाँ भाई उठ जा और सब बताइए, सब घर पे सेफ है, सब ठीक ठाक है, कमेंट में बताना। और आज मैंने अपनी वीडियो अपलोड करी थी आपका गोलगप्पा चैलेंज की, चेक करिए। और कोई नया चैलेंज कुछ आइडिया पर ऐसा देना है जो मतलब एंटरटेनिंग भी हो और आप लोगों को भी ये लगे कि हाँ भाई एक फेयर चैलेंज हो, ये फैमिली के लोगों का आपस में ही चैलेंज होने वाला है, तो प्लीज़। सो गाइस ब्रेकफास्ट की तैयारी है, लास्ट हम उत्तराखंड गए थे तो वहाँ से ये आदत पड़ गई है। सो गाइस मौसम बहुत ही प्यारा है तो भैया रेडी है मम्मी। हाँ। पर बारिश हो रही है, मौसम ठीक है, अच्छा मौसम है, बहुत गर्मी नहीं है, मतलब गर्मी उतनी पड़ भी नहीं रही पहले वाली क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ वाड़ियाँ कम चल रही है, भीड़ भीड़ कम है जिससे ना गर्मी कम हो रही है। मम्मी बेल्ट पालो, चलो अभी सीट बेल्ट लगा लेते हैं और निकलते हैं, बस उम्मीद करता हूँ इस बार सब काम हो जाए। सड़कें तो सारी खाली है, बाकी हमारे फैमिली काफी लोगों ने लगवा लिया है वैक्सीन, अब इन्होंने जो सरकार ने पेड कर दिया ना, और अमाउंट भी अच्छा खासा, पहले 250 रुपये ले रहे थे एक वैक्सीन के, आज की रेट में ये 900 रुपये और कुछ जगह तो 1250 रुपये मांग रहे हैं एक वैक्सीन के। चलो देखते हैं यार, नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन फिर तब का तब देखेंगे। तो अमेरिका में क्या है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनको अलाउ कर दिया है विदाउट मास्क निकलना, और हमारे इंडिया में तो भैया बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़क का बहुत ही बुरा हाल है। छोटा सा इंडिया और उसके अंदर मेरे ख्याल से 150 करोड़ हो चुकी है जनसंख्या, शायद फाइनली पॉइंट तो गए हैं बारिश में, रस्ते इन्होंने सारे बंद कर रखे हैं, घूम 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 के आना पड़ा है। ये कैंप लगे हुए हैं, देखते हैं। चलो तो गाइस यहाँ वैक्सीन लग रही है, छाता गाड़ी में पड़ा था, ये प्लस पॉइंट हो गया, लोग ज़्यादा नहीं है, बारिश करके लिए शायद लोग नहीं आए। हाँ वो तो है ना, चल ये एंट्रेंस गेट। It sound right, boy. दूसरा टीका उन लगना है ना 2 महीने बाद, पल्ला लगता है 1 महीने बाद, उन्हें ना 20 मिनट बड़ा बैठा के रखना है। तो भैया 10 मिनट तो हो गए इंजेक्शन लगे हुए, 20 मिनट करें वेट करना है, मैं तो चेयर पे बैठने का डर के मारे। ताड़ी उन बाँ दर्द हो रही है, वैक्सीन लगा लिए ध्यान ना उतरे और बस निकल रहे हैं वापसी। बाकी उन सब ठीक है ना, चक्कर चुक्कर तो नहीं आ रहे ना? नहीं, आते है गए, हाथ दर्द होएगा कह रहे। बाकी अभी एक हमारे जानकार है वो ना सेवा कर रहा है गुरुद्वारे में, मतलब तो अभी देखते हैं उससे सामान सामून लेते हुए, कुछ वो कह रहा था दवाइयाँ दवाइयाँ हैं फ्री में, मास्क उसका है ले लेना, तो होते जाएंगे उसके बाद से अगर बात हो गई तो। सो ऑल ओवर गाइज एक्सपीरियंस ठीक रहा, क्योंकि एक्चुअली में एक शायद प्लस पॉइंट हमारे लिए ये होगा, शायद बारिश हो रही है इतनी भीड़ नहीं थी, बाकी ये कि स्मूथली हमारा मतलब जाना हुआ और हमने अपना OTP आता है फ़ोन पर जब बुकिंग करते हो OTP दिया और उन्होंने फटक से लगा दिया, 15-20 मिनट हम बैठे वहाँ पे, उसके बाद हम निकल गए, हो गया वैक्सीन पहली लग गई है। मम्मी ठीक है सब कुछ? हाँ। तो एक्सपीरियंस फिलहाल ठीक है, हाल फिलहाल अभी जा रहे हैं, पहले विद इन मतलब 45 डेज मंथ के अंदर सेकंड वैक्सीन का कहते थे, अब इन्होंने वो टाइम चेंज कर दिया, अब इसको 2 महीने कर दिया है, 85 डेज कर दिया है। अब ये क्यों करा ये नहीं मालूम, पर ऑल ओवर वर्ल्ड में तो भैया वही 1 महीने के अंदर लग रही है, देखते हैं यार। अब इनके पास शायद वैक्सीन नहीं है इसलिए इन्होंने ये पॉलिसी बना दी है, फिलहाल तो हमारा पहली वैक्सीन लग गई है, अब देखेंगे नेक्स्ट वैक्सीन की कब सिस्टम बैठेगा। सो गाइस जैसे बताया था एक हमारे भाई बंधु ही हैं और वो लास्ट टाइम आपने शायद मेरे ब्लॉग में उनको देखा होगा, तो वो उनको भी पीछे पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था, तो बहुत सर्वाइव करके वो सपोर्ट अब फैमिली उनकी ठीक है और अभी वो सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारा वगैरह में ना, गुरुद्वारा की तरफ से सेवा कर रहे हैं, फ्री में दवाइयाँ बांट रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप पर उसकी स्टोरी भी शेयर करी थी, वो दवाइयाँ वगैरह बांट रहे हैं और मास्क वगैरह दे रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका शेयर करा था मैंने तो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी। सो गाइस ये शायद आपने स्टोरी में देखा होगा,
मेरी, ये होम्योपैथिक की दवाई है, इम्यूनिटी बढ़ाने की है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। मास्क वगैरह भी दे रहे थे पर बारिश करके शायद मैं ऊपर नहीं जाना हुआ और मैंने नीचे नीचे ली है। बाकी अगर ये दवाई बाहर से मिलती है तो भी आप ले सकते हो, और अगर आपको फ्री में चाहिए तो ये भाई का दोबारा से स्टोरी में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है पर मुंबई का हाल थोड़ा ख़राब चल रहा है। कुछ जानकार हैं बताते हैं, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है मुंबई में, तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं। भैया हम पहुंच गए घर, गाड़ी अंदर करते हैं, फिर नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं। चलो भैया ध्यान है बिल्ला होना सारा, एक काम तो अच्छा हुआ गाड़ी धुल गई है भैया। सो आ गए घर भैया, सैनिटाइज कर लिया है, अब नहा धो लेते हैं फटाफट, कर लिया सैनिटाइज। मम्मी को इंजेक्शन तो लगवा ही आया था मैं, बाहर मौसम इतना प्यारा है, मतलब रात से बारिश हो रही है, इतना खूबसूरत मौसम है। तो भैया देखो कितना खूबसूरत है यार, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। सब कुछ ठीक ठाक हो गया और घर आ गए, नहा धो लिया मैं, और नहाने धोने के बाद एडिटिंग चल रही थी, अपना ट्रैवल ब्लॉग भी है जैसे बताया मैंने, वो अभी तक मैंने एडिट करा नहीं। एक्चुअली मैं इसलिए डाल नहीं रहा, थोड़ा डिले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि लोग घूम तो रहे नहीं है, कहीं जा नहीं रहे, तो मैं इसलिए थोड़ा डिले कर रहा हूँ। जोधपुर जैसलमेर आप जाओ तो कैसे जा सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो, क्या रहने का ऑप्शन है, क्या खाने का ऑप्शन है, इसके ऊपर व्लॉग बना कर डालने वाला हूँ। और मेरे को कुछ कमेंट आ रहे हैं, कुछ मेरे पुराने, मैंने जब ट्रैवल करा था लॉकडाउन से पहले 6 कंट्रियों का, अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी है तो कुछ लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे हैं हांगकॉन्ग के बारे में बताइए, वहाँ वर्किंग वीज़ा के बारे में बताइए। तो दोस्त वर्किंग वीज़ा की जहाँ तक बात है, वहाँ वर्किंग वीज़ा वैसे पर्टिकुलर नहीं दे रहे, हाँ आप टूरिस्ट वीज़ा पर जा सकते हो, वहाँ आपको इंडियंस बहुत सारे हैं, आपको इजीली वहाँ जॉब मिल सकती है। अगर वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी तो आपका 3 महीने का पीरियड होता है रुकने का, उसके बाद उसको एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ आप दोबारा वीज़ा अप्लाई कर लीजिएगा। आप ऐसे कर करके वहाँ पे कमा सकते हो, लोग बहुत सारे लोग इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग वहाँ रुके हुए हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आप ही जा सकते हो। इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कैसे वीज़ा अप्लाई होता है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी लॉकडाउन है, फ्लाइट्स खुली नहीं है। और जैसे ही पता लास्ट मैं चैलेंज हार चुका हूँ गोलगप्पे वाला, तो अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं करा। हाँ भाई चलो इधर बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ लास्ट जो चैलेंज हारे थे, मतलब मैं हारा था तुम नहीं, तो अभी कुछ डिसाइड करा है? हाँ डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड करा तुमने? पूरे दिन बर्तन धोके एक ही काम दे रही हूँ, एक काम पूरे दिन के लिए, तो तुम्हें सारे काम कर लेने चाहिए, सारे काम। काम वाली बाइक थोड़ा खरीद ली तुमने, चैलेंज आ रहा है सारा ऊपर, तुम तो ऐसे काम वाली बना लेते। अभी आज से स्टार्ट नहीं है, कब से स्टार्ट है वो बताएगी। ये भी धोना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा चुल्लू है, इसको पहले चुल ले हैं कि मैं काम पे लग जाऊं। आज ही धोने आएगा? नहीं कल से स्टार्ट करूं। तो चैलेंज में हमारी बात हुई थी, तो एक बंदे को काम करना पड़ेगा, तो भैया वो काम इन्होंने डिसाइड कर लिया है, तो पूरा दिन कहाँ गुजरा भाई, खाना खाया तो हाथ धो चलो, तो पूरा दिन बर्तन धोने का काम है, मतलब बर्तन धोने, तो ये चैलेंज मिला है, तो फिलहाल हम तो चैलेंज पूरा करेंगे भैया, जो बात हुई थी हम उस पर रहेंगे। है भाई पक्का डिसाइड है कल से? हाँ जी कल से। चलो कल से मेरा चैलेंज है, कल का दिन मुझे पूरे घर के बर्तन धोने हैं, पूरा दिन एक काम पूरा दिन का, मैंने बताया था। और रात तक क्या मतलब, टाइम से सो जाऊंगा ना मैं उसमें पता चलने लेट सोता हूँ, आज थक हार के जल्दी सो जाऊंगा, बस जब बर्तन धोने में लास्ट बर्तन धोने होंगे। क्या कर रहा है, क्या हाथ धो? चलो बाहर मौसम बड़ा प्यारा, मैं देख के आते हैं बालकोनी। सो रहे हो? नहीं अभी नहाता हूँ, ठंडा पानी है पर मजेदार। अरे क्या खूबसूरत मौसम है, वाह बड़ा प्यारा मौसम है, रेगुलर बारिश हो रही है। ध्यान से भाई हाथ मार के फोन मत गिरा दियो मेरा, पीछे हो जाए। कर क्या रहा है? हाथ मत गिले कर, कपड़े भी गीले हो रहे हैं बेटा। सो गाइस हमारा लल्ला आज स्ट्रीमिंग के टाइम पे चुपचाप सो गया, और प्लीज यार सपोर्ट करो यार, लाइक वाइक कर दिया करो यार, प्लीज कम से कम शेयर ना करो तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दिया करो, क्योंकि ना यार लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है भाई, और मोटिवेशन से क्या होता है कि हमें लगता है कि और वीडियो बनानी चाहिए, कि उसको पसंद कर रहे हो, तो अगर पसंद नहीं कर रहे हो तो भी कमेंट में बताओ भैया ये कमी है, तो इस चीज़ को सुधारो, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई प्लीज़। और उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक वीडियो लगा हो तो लाइक मार देना, ज़्यादा अच्छा लगा शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं भैया सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, भैया सपोर्ट करो, क्योंकि आज मैं आपसे कह रहा हूँ कल को हो सकता है आप भी YouTube चैनल स्टार्ट कर लो, तो कल को आप हमसे बोलो तो भैया हमें सपोर्ट करोगे तभी तो हम सपोर्ट करेंगे। हाँ मैं बड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, पर एक ब्लॉगर है कोरोना से उसकी डेथ हो गई है, आई राहुल वोरा, बहुत अच्छे
ब्लॉग बनाता है और उसके चैनल पे जाओ भाई देखो, बहुत अच्छे ही मतलब स्टोरी थीम, मतलब उसकी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। तो मैसेज आज की डेट में हमारी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है, वो जाकर चेक करो, प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि उसकी डेथ होगी रिसेंटली, उसकी अभी दिसंबर में शादी हुई थी और कोरोना से डेथ होगी और न्यूज़ में भी आया था, और बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, और तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। अगर मेरी वीडियो ये लोगों तक पहुंचाओगे तो शायद ये मैसेज उन तक पहुंचेगा, जब लोग ये वीडियो देखेंगे शेयर करेंगे तो भैया वो उसके चैनल तक पहुंचेंगे। तो डेफिनेटली अगर मेरे अच्छे सब्सक्राइबर होते तो मैं जरूर कहता कि भैया उनके उसके चैनल पर जाओ विजिट करो, अभी जितने लोग हैं उनसे शेयर कर रहा हूं भैया प्लीज़ उसके चैनल पर विजिट करो। तो मिलते हैं भैया अगली नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतने, बाय बाय गाइस, बाय बाय।